भायंदर पश्चिम में कुछ दिनों से चोरों ने अपना आतंक मचा रखा था। चोरों ने दुकान सहित मंदिरों को भी अपना टारगेट बना रहे थे, जिससे लोगों में भय का माहौल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ इन चोरों पकड़ने के लिए भायंदर पुलिस बड़ी मशक्कत कर रही थी और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। भायंदर पुलिस ने सभी चोरी की घटना को सुलझाते हुए तकरीबन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लेंगी, ऐसा पुलिस का कहना है। आइए जानते हैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक MB पाटिल से। भायंदर शहर सिटी में चोरियां हुई, ये बात सही है, लेकिन भायंदर पुलिस ने और खास करके हमारे DB स्टाफ ने, जो API बाबर साहब के नेतृत्व में, हमने लगातार मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके लगभग 75% चोरियाँ जो है उनके चोर पकड़ लिए हैं और बाकी के चोरों के नाम निष्पन्न किए, हम उनके पीछे हैं। तो शहरवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं, भायंदर पुलिस पहले जैसे ही काम कर रही है और किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा, हम उनके पीछे हैं। आज तक हमने चार चोरियाँ हुई थी, उसमें हम चार चोरियाँ हमने डिटेक्ट की है, जिसमें एक जैन मंदिर का जो था चोर, उसको हमने पकड़ा है। उसके लिए हमारा बहुत टाइम गया, बहुत हमने उसका पीछा किया, सूरत से लेकर के पनवेल तक उसका हमने पीछा किया और उसमें से भी दो चोर अभी भी हमारे गिरफ्त से बाहर है, लेकिन हम उनके पीछे पकड़ा जाएगा। और दूसरा जो एक महालक्ष्मी स्वीट्स का जो था, उसमें से भी एक फरार है और एक पकड़ लिया हमने, और दूसरा एक दुकान का ताला टूटा था, वो भी हमने उसी दिन सुबह हमने 11 बजे तक उनको पकड़ लिए थे, दो चोर थे। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।